हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट क्या है, वो कैसे डेवलप होती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और चॉकलेट सिस्ट की वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत क्यों आती है, चॉकलेट सिस्ट और ओव्यूलेशन के क्या रिलेशन है, यानी कि वो ओवम की हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जनरली ये बिलीफ है कि चॉकलेट सिस्ट यानी ऑपरेशन ही उसका आखिरी रास्ता है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो चॉकलेट सिस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक या दो महीने में मिटा सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर 8 या 10 सेंटीमीटर तक की सिस्ट भी 2 महीने में पिघल गई है। तो कौन सी मेडिसिन ले आप और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाती है, तो चॉकलेट सिस्ट के साथ आप नेचुरल कंसीव भी कर सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं चॉकलेट सिस्ट क्या है। अब ये जो चॉकलेट सिस्ट है वो एंडोमेट्रियोसिस का ही एक पार्ट बोल सकते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या है, उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, आपको कैसे पता चले, उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चॉकलेट सिस्ट की बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, वैसे आपके जो यूट्रस में लाइनिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में सीमित ना रहकर आपकी फेलोपियन ट्यूब और आपकी ओवरी तक एक्सटेंड हो जाती है। अब हर महीने जब आपका मेंसेस स्टार्ट होता है, यानी कि पहले 15 दिनों में ये एंडोमेट्रियम जो होती है, बच्चेदानी की लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं, उसका ग्रोथ होता है। क्योंकि बच्चा जब आए, तैयार हो जाए प्रेगनेंसी के बाद, वो आके आपके एंडोमेट्रियम में ही चिपकना है। तो हर महीने उसका अच्छे से ग्रोथ होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर तक उसका ग्रोथ होता है। तो ये जो यूट्रस में ये प्रोसेस होती है, तो सेम प्रोसेस आपके ओवरी में भी होने वाली है। तो अब आपका जब बच्चा अंदर नहीं रहेगा तो ये जो यूट्रस में जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो मेंसेस के साथ बाहर निकल जाएगी। लेकिन ओवरी में जो है, जहाँ पर उसका ग्रोथ हुआ था, वहाँ पर भी ब्लीडिंग तो होगी लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगी और ओवरी में ही ट्रैप होके रह जाएगी। तो ओवरी की साइज बढ़ती जाएगी। अब ब्लीडिंग होती है तो उसका एक नेचर होता है कि ब्लड जब बाहर निकलता है तो अपने आप वो कोएगुलेट हो जाता है, ब्लीडिंग वहाँ पर रुक जाती है। तो वहाँ पर भी जो ब्लड आपकी ओवरी में जमा हुआ है वही कोएगुलेट होके गट्ठा जैसा बना देगा और वहाँ पर ब्राउन चॉकलेट तरह से एक बन जाएगा। पूरी ओवरी आपके अंदर जो फ्लूइड होता है वो ब्राउन कलर का चॉकलेट टाइप बन जाएगा, उसका कलर ऐसा होगा, इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो यदि आपको चॉकलेट सिस्ट हुई है तो प्रेगनेंसी क्यों कंज्यूम नहीं हो रही, उसके क्या रीज़न होते हैं। तो जब आपकी ओवरी में चॉकलेट सिस्ट होगी तो FSH हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा और वो आपके फॉलिकल्स को, आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा। वहाँ पर फॉलिकल्स ही नहीं बनेगी और शायद वहाँ पर फॉलिकल्स बन भी जाए कुछ मात्रा में तो वो मैच्योर नहीं होगी, आपका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। इसीलिए आपको इस चॉकलेट सिस्ट के रहते प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। अब यदि आपको चॉकलेट सिस्ट हुई है तो आपके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम मिलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर चॉकलेट सिस्ट डेवलप हुई है। तो एक उसका ड्रॉबैक यही भी है कि चॉकलेट सिस्ट जनरली एसिम्टोमेटिक भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आएंगे। जब उसकी साइज बढ़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पर भारीपन है, जहाँ पर ओवरियन रीजन होता है वहाँ पर आपको कुछ फील होता है। आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट रेगुलर जैसी होती है, लेकिन जो मेंसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्केंटी हो जाता है, 1 या 2 दिन ही चलता है। कभी कभी इरेगुलर मेंसेस भी आप पा सकते हैं, यानी कि 2 महीने 3 महीने तक नहीं आता। कभी कभी आपकी मेंसेस आने के बाद अपने आप बंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिन तक चलती रहती है। मेंसेस का कलर भी ब्लैक हो जाता है, टार लाइक। तो ये सारे सिम्टम आप फील कर सकते हैं। एब्डोमिनल में आपको पेन रहेगा और एब्डोमिनल एरिया जो होता है, जहाँ पर यूट्रस होता है नीचे का भाग, वहाँ पर आपको हेवीनेस जैसा लगेगा, बैकएक रह सकता है, ये सारे सिम्टम आप फील कर सकते हैं। और दूसरी बात, चॉकलेट सिस्ट के रहते हुए आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं या नहीं, तो जवाब है हाँ। यदि चॉकलेट सिस्ट होती है और उसकी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई और मेडिसिन लेते हैं, एक बार चॉकलेट सिस्ट डिसॉल्व हो जाए उसके बाद आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। 30% केसेस में यदि आप ऑपरेशन भी करवाते हैं तो चॉकलेट सिस्ट वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके रिकरेंस जो बोलते हैं हम, एक बार ठीक हो जाए 1 महीने बाद फिर से हो जाए,
बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने 2 या 3 बार चॉकलेट सिस्ट ऑपरेट करवाई थी, लेकिन फिर से डेवलप हो ही जाती है। तो उसके लिए होम्योपैथी बहुत ही अच्छे से काम करती है। लेकिन जब आप ऑपरेशन करवाते हैं उसके बाद कई बार क्या होता है कि एक सिस्ट को तो हम निकाल देते हैं, उसके अंदर जो फ्लूड होते हैं उसको तो हम सकआउट कर लेते हैं, लेकिन वो सकआउट करते समय वहाँ पर जो ओवरियन ट्यूसी होते हैं वो भी डैमेज हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पर जो अंडे बनने की प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो चॉकलेट सिस्ट जब आप ऑपरेट करवाते हो उसके बाद दिक्कत आ सकती है, लेकिन हर एक केस में भी ये देखने को मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अब बात करते हैं ये चॉकलेट सिस्ट यदि आप डायग्नोस करवाना चाहते हैं आपको कैसे पता चलेगा, तो सिंपल एक सोनोग्राफी कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चॉकलेट सिस्ट है या नहीं, और है तो वो उसकी साइज़ कितनी है। कई बार क्या होता है एक सिस्ट बड़ी होती है, तो दूसरे कई ऐसे केसेस भी होते हैं कि एक सिस्ट के अंदर सेप्टा डेवलप हो जाता है, यानी कि एक पर्दा जैसा लेयर बन जाता है वहाँ पर, तो वो छोटी 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 बहुत ज़्यादा आपको चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलती है। होती एक है लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे वो सेप्टा जैसा बन जाता है, और कई बार ये होता है कि एक चॉकलेट जो सिस्ट बनी होती है वो सॉलिड हो जाती है, क्योंकि ब्लड वहाँ पर कोएगुलेट होगा, जम जाएगा ब्लड, और उसकी वजह से वो पत्थर जैसे सॉलिड मास जैसा बन जाएगा। तो एक चॉकलेट सिस्ट में ये सारी वेराइटी आप देख सकते हैं, या तो एक सिंपल सिस्ट होगी, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सेप्टा छोटी छोटी सिस्ट होगी, या फिर वो पत्थर जैसे सॉलिड सिस्ट बन जाएगी। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ सोनोग्राफी से पता चल जाएगा कि कौन सी टाइप की सिस्ट है और उसकी साइज क्या है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट सिस्ट यानी ऑपरेशन ही कराओ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ये रिकरन बहुत ज़्यादा होती है, वापस आ ही जाती है 1-2 महीने में। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम है। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कैपिस मेलिफिका, कालीब्रोम, थूजा, उफोरिनम, लेकेसिस, ये सारी मेडिसिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। लेकिन ये सारी मेडिसिन आपकी हिस्ट्री, आपके सिम्टम, आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जानने के बाद डिसाइड होती है। तो उसके लिए आप कोई भी आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर को मिल सकते हैं, या फिर मुझसे कंसल्ट करना चाहे, मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहे, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और भी कोई कंप्लेंट हो तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।